पहले यार यहाँ पे लूट वगैरह भी बहुत होता था, लोग इधर रात को आने से डरते थे। तो झारखंड टूरिज्म को बढ़ावा देना है गाइस, तो प्लीज सपोर्ट करो। ओ भाई साहब तो खतरनाक निकल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेचुरल थिंग्स बहुत ही कम मिलता है आजकल शहरों में देखने के लिए। ट्रेन नहीं आएगा अभी। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है आरजे बाइक्स। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद एक ट्रिप स्टार्ट करने जा रहा हूँ। दिल्ली से आने के बाद मैं आज एक ट्रिप स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जा रहा हूँ देवघर, बाबा की नगरी, हर हर महादेव। तो और ये रही मेरी बाइक, दिखा दे रहा हूँ मैं आपको बाइक। देखो मैंने पूरा ऐसे सेट कर लिया है। तो बाबा की नगरी जा रहा हूँ देवघर। देवघर यहाँ से 240 किलोमीटर लगभग है। रास्ता बहुत ही अच्छा है, सुना हूँ। एक बार मैं गया था 2019 में, उसके बाद मैं अभी जा रहा हूँ। तो होप सो सब कुछ बढ़िया जाए। और टाइम हुआ है अभी 5। आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था इसीलिए जल्दी जल्दी सब कुछ कर लिया और बैग भी इस पर फिट कर लिया बाइक पे। बाकी क्या, बाकी सब बढ़िया है। गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हो, कौन से सिटी से हो, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना, मेरे को जानना बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलो ज़्यादा लेट नहीं करते, यहाँ से निकलते हैं। अब बाकी बातें आपसे मैं रास्ते में करता हूँ मोटर ब्लॉगिंग पे। चलो तो गाइज अब निकलते हैं यहाँ से। हर हर महादेव, जय श्री राम। देव चलो ठीक है, बाय बाय। हाँ ठीक, मॉर्निंग हो चुका है, 5:15 बज गए यार निकलते निकलते मेरे को। और आज बहुत दिनों के बाद रांची से मैं अपना ट्रैवलिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। लगभग 1 साल हो गया, क्योंकि पहले जितना भी ट्रैवलिंग स्टार्ट करता था दिल्ली से होता था, आज रांची से होगा। जितने सुबह सुबह निकलो ना तो इसका अलग ही मज़ा है, क्योंकि रोड पूरा खाली रहती है। नहीं तो दिन में निकलोगे भाई साहब, रांची का जाम अलग ही रहता है, हालत ख़राब हो जाता है यहाँ पर। तो फाइनली रांची शहर से बाहर निकल चुका हूं और हाईवे पकड़ चुका हूं। ये है हजारीबाग हाईवे, लेकिन अपने को आगे से राइट कटना है गोला वाले रोड में, जो कि बोकारो साइड ले जाती है। तो भैया फुसरो होकर जाना है मेरे को देवघर, जो कि अभी 224 किलोमीटर दिखा रहा है यहां से डिस्टेंस। बाकी रास्ता तो सुना हूँ बहुत ही बढ़िया है, स्मूथ है, भले सिंगल मतलब डबल लेन है, लेकिन मज़ा आएगा चलाने में बाइक, क्योंकि रास्ता पूरा प्लेन है और बना हुआ है रास्ता, तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। तो चलो निकलते हैं जल्दी से, मज़े लेते हुए सफ़र का। और मौसम देखो क्या तो मौसम है, यही है सफ़रनामा। सफ़र करना है तो सुबह सुबह निकल जाओ गर्मी के टाइम में, ओए होए होए अलग मज़ा। बादल देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलो तो सिकिदरी घाटी का स्टार्टिंग हो चुका है। और ये सिकिदरी घाटी है। पहले यार यहाँ पे लूट वगैरह भी बहुत होता था, लोग इधर रात को आने से डरते थे। बट अब देखो इतना अच्छा रास्ता हो गया है कि सोचना ही नहीं है। और क्योंकि अब झारखंड बदल रहा है, तो झारखंड टूरिज्म को बढ़ावा देना है गाइस, तो प्लीज़ सपोर्ट करो। मैं भी झारखंड पूरा एक्सप्लोर करूँगा, बिहार पूरा एक्सप्लोर करूँगा। तो वही जो कहते हैं ना, आइए ना हमरा बिहार में, तो वही है, आइए ना हमरा झारखंड में भी। तो झारखंड बिहार को फेमस करना है यार पूरे इंडिया में अच्छे से एकदम। तो सपोर्ट करो आप लोग चैनल को ज़रूर, तो फिर अपन मिल के आगे बढ़ाएंगे इसको, झारखंड टूरिज्म को, बिहार टूरिज्म को। यार यहाँ तो रास्ता ही बंद हो गया, एक्सीडेंट हो गया लग रहा है। हाँ ट्रक वाले सटा दिए। ओ भाई साहब तो खतरनाक निकल। भाई 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 किधर से निकलेगा बाइक, निकल जाएगा। अरे यार तो बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ है। हाई स्पीड का क्या है, क्या हाई स्पीड क्या है? हाई स्पीड तो बहुत ज़्यादा 170-180 है। सफर कहाँ से किए हैं? अभी रांची से स्टार्ट किए हैं। हाँ अभी जा रहे हैं देवघर, देवघर से फिर तारापीठ, तारापीठ से फिर आसनसोल। हाँ लोकेशन चालू है पूरा, कैमरा भी चालू, आप लोग सबको वीडियो में भी आ रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।
निकल जाएगा ना। जय हिंद सर। भाई ये तो बहुत ही डेंजर हुआ है यार, तीन तीन गाड़ी फंसा हुआ है। तो देखते हो ना, लोग एक से एक मिलते हैं यार। हमारे झारखंड बिहार के लोग बहुत ही प्यारे होते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ये सब देख के। पहुंच चुका हूँ जैना मोड़, ये देखो जैना मोड़। और लेफ्ट साइड ले लूँगा तो फुसरो जगह नाम है, और सीधा चला जाऊँगा तो बोकारो धनबाद। तो अपने को लेना है यहाँ से लेफ्ट, ये देखो वैगनी। यस, देवर यहाँ लिखा हुआ है 152 किलोमीटर, कोडरमा 180। गाइज अभी फुसरो पहुंचा हूँ, चाय पीने के लिए रुका हुआ था और थोड़ा नींद आ रहा था इसीलिए मैं रुक गया था यहाँ पे। तो भैया मिले, अपना नाम बताइए आप। दिलीप बास्कर। आप फुसरो से ही हैं? नहीं, हाँ फुसरो नहीं, पिछली। अच्छा, मतलब यहीं बगल ही में हो? हाँ बगल में है, 2 किलोमीटर अंदर। अच्छा, बगल में दामोदर नदी है, दामोदर नदी बह रही है। और अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, बस चाय पीने के लिए रुका हुआ था। नींद आ रही थी बहुत तेज, क्योंकि सुबह जल्दी उठा हूँ इसीलिए नींद थोड़ा लगता है रास्ते में। बाकी रास्ता अभी तक तो बढ़िया है, अभी थोड़ा रास्ता सही होगा, पूरा सही है, वहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। चलिए तब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। भैया गाड़ी के बारे में पूछ रहे थे और कहाँ से आए ये सब पूछ रहे थे, अच्छा लगता है ऐसे लोग मिलते हैं। तो चलो इसी नोट पर फिर। ये देखो गाइज, ये है जीटी रोड, लेकिन अपने को जाना है सीधा। ये जीटी रोड मतलब कोलकाता दिल्ली एक्सप्रेस वे, जो कि डायरेक्ट ले जाती है इधर कोलकाता, इधर जाओगे वाराणसी होते हुए दिल्ली। तो अपने को जाना है सीधे। तो गाइस जंगल के बीच में रुका हुआ हूँ, मतलब जंगल के बीच मतलब रोड के किनारे थोड़ा सा जंगल एरिया मिला है, तो मैं थोड़ा सा रुक गया क्योंकि थोड़ा सा नींद मेरे को ज़्यादा आता है। पता नहीं आजकल क्या हो गया मेरे को, बाइक में नींद बहुत ही ज़्यादा आने लगा है, इसीलिए थोड़ा सा फ्रेश हवा लेने के लिए। देखो यहाँ नेचर का क्या अलग मज़ा है, इसीलिए नेचर से हमेशा जुड़े हुए रहना चाहिए। और बहुत ही अच्छा लग रहा है ट्रिप में आने के बाद, बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका मिला है बाबा के द्वार जाने का, तो बहुत ही खुशनसीब अपने आप को मान रहा हूँ। तो चलो थोड़ा बहुत फ़ोटो वगैरह खिंचाता हूँ यहाँ पर, उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। और देखो चिड़ियों का आवाज़ यार, कितना अच्छा लग रहा है, ऐसा नेचुरल थिंग्स बहुत ही कम मिलता है आजकल शहरों में देखने के लिए। तो गाइस अब निकल रहा हूँ यहाँ से, फोटोज़ वगैरह खिंचा लिया हूँ काफ़ी ज़्यादा। उप्स, तो अब निकल चुका हूँ रोड में और यहाँ पे रुका हुआ था क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो सोचा कि हवा का मज़ा लिया जाए। और देवघर अब ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो मैं सोचा आराम आराम से चलते हैं क्योंकि टाइम है ही अपने पास, जल्दी क्या है। तो 2 घंटे बचे हैं बस पहुंचने के लिए। नहीं मत डालिए, नमक मत डालिए, हेलमेट उतारना पड़ेगा, बस यही है दिक्कत। पाइप रहता ना तो पी लेते हैं ऐसी। तो पाइप में क्या होता कि सब खोलना नहीं पड़ता। अच्छा हाँ, वही ना, डायरेक्ट पी लेते हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिए ना, रखिए ना, पी रहे हैं। हाँ रखिए ना, रखिए, क्योंकि गला सूख गया बहुत दूर से, तो सोचे कि गन्ना का जूस पिया जाए। तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में आपका स्वागत है। तो गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट पहुंच गया हूँ और बच्चे लोग साइकिल स्टाइल मार मार के चला रहे हैं भाई लोग। गिरिडीह में सेकेंड टाइम आ रहा हूँ, इससे पहले जब देवघर आया था तभी आया था, उसके बाद कभी इधर काम ही नहीं पड़ा तो कभी आना ही ना हुआ। और अब लग रहा है इधर जाम मिलेगा मेरे को, क्योंकि शहर स्टार्ट हो रहा है गिरिडीह का। ओ, 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 ओ। अपने को लेफ्ट लेना है यार, फायर सिटी से बाहर ले जाए सच। अच्छा ये तो जाम में झूठ मूठ का फंस जाता। जाम मिल जाएगा, मिलेगा, सीधा निकल जाए। चलिए धन्यवाद भैया। तो भाई साहब बोर्ड उधर लगा हुआ था देवघर का, लेकिन यहाँ का जो लोकल है वो बता रहे हैं कि यहाँ से जाने के लिए तो ये सही रास्ता है। तो गूगल कभी कभी धोखा भी देता है, इसीलिए हमेशा गूगल का सुनना नहीं चाहिए।
लेकिन बस टेंशन यही है कि जाम इधर मिलेगा भाई। हेलो जी, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस देवघर, तो एम्स देवघर यहाँ पे खुला है और अभी तक कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, लेकिन उद्घाटन हो चुका है इसका और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और काफ़ी बड़ा जगह में बनाया गया है। अच्छा है, कुछ तो डेवलप हो रहा है इंडिया। इंडिया क्या, झारखंड ज़्यादा ज़रूरी है यार, डेवलप होना बहुत ज़रूरी है। गूगल जी ले आए हैं। अरे क्रॉस हो जाएगा, हाँ यार तो लिखा हुआ आगे, अगर फंसेगा धक्का देना ना। अरे भाई ट्रेन नहीं आएगा अभी, सट गया थोड़ा धक्का दो तो। ओह भाई साहब हिट, टच थोड़ा सा धक्का देना। ओ भाई नहीं ना कुछ हुआ, दो सौ दस किलो इसका, 4 लाख। आप अभी रांची गए? नहीं अभी यहीं रहेंगे, फिर कल परसों जाएंगे। सब्सक्राइब करवा कर देंगे। ठीक है ओके, चलो थैंक यू। पटरी वटरी क्रॉस करवा दिया यार, टच हो गया था नीचे। भैया थोड़ा हॉर्न चेक करवाना था, हॉर्न नहीं बज रहा, अंदर ले जाए। ओह हॉर्न में थोड़ा दिक्कत आ गई है भाई, थोड़ा हॉर्न चेक कर दो ना, हॉर्न बज नहीं रहा। एक देखो, एक बज रहा है, वहाँ लगा दो। खराब हो गया था तो यहाँ पे चेंज कराने आया था रॉयल एनफील्ड के सर्विस सेंटर में, और ये देवघर में है। और ये भैया ने चेंज किया है हॉर्न तो बोले कि पैसा नहीं लगेगा क्योंकि थोड़ा सा काम था, बस एक क्लिप कट गया था, खराब नहीं हुआ था हॉर्न इसीलिए। तो चलो देवघर पहुँच गया, होटल ढूंढता हूँ, होटल ढूंढ के रुकता हूँ, खाना भी खाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा है। तो गाइस फाइनली मैं देवघर पहुँच गया हूँ और यहाँ के शहरों में घूम रहा हूँ। अभी मैं बहुत देर के बाद निकला हूँ होटल से, होटल ले लिया था मैंने, तो नहा वहा के खा वहा के सो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था मेरे को इसीलिए। और अभी थोड़ा सा ऐसे ही निकला हूँ शहर में एक्सप्लोर करने के लिए कि कैसा शहर है देवघर, ज़रा मैं भी देखूँ। तो चलो मैं आपको भी दिखाता हूँ और मैं भी देखता हूँ, आप वीडियो को देखो पूरा। और शाम का मौसम इतना प्यारा है यार, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मज़ा आ रहा है मेरे को घूमने में। ऐसे हाफ टी शर्ट पहन लिया हूँ, मस्त एकदम मज़ा आ रहा है घूमने में देवघर। ये तो गाइस आप लोग बिलीव नहीं करोगे यार कि गूगल देखो कहाँ ले आया मेरे को भाई साहब, मानना पड़ेगा यार इसको। लेकिन कौन से खेतों में लेके आ गया देखो, अब नया जगह है तो लोकेशंस के हिसाब से ही चलूँगा। ओ भाई उप्स, तो ये देखो जी आ गया हूँ नंदन पहाड़, तो इसे को बोलते हैं। वैसे काफ़ी लोग हैं यहाँ पे वार्म अप करने आए हैं लग रहा है शाम के टाइम पे, बाकी कोई उतना खास नहीं है।